हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवदत्त अग्रवाल और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं देवदत्त अग्रवाल ऑफिशियल चैनल। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद इस कोरोना के दूसरे काल में इस वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है दिन भर के काम क्लासेस के बाद। सबसे पहली बात, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस लॉकडाउन में हमें पॉपुलर करने की। और मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि वाकई में हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, हमारे व्यू बढ़ गए हैं और हमारे स्टूडेंट की लिस्ट भी बढ़ गई है। दोस्तों, होता है ना ये चमत्कार कि बुरी चीज़ों से भी अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। दोस्तों, कल बहुत से लोग जो हमें नहीं जानते थे वो भी हमें जानने लगे हैं, और हमारे बहुत सारे वीडियो देख कर वो फैक्ट मानते हैं कि जब वो 5,000-10,000 बच्चों को देखते हैं पढ़ के निकल जाने पर, तो वो जानते हैं कि कौन से है और कौन नहीं। पर ये वीडियो यहाँ पर ये सब कहने के लिए नहीं है। ये वीडियो, हाँ, एक चीज़ जो मोटिवेशन के तौर पे आज मैं बताना चाहता हूँ, वो एक शब्द है, वो है डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में अनुशासन कहते हैं। और हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन वही कर सकता है जो अपने जीवन में सफल हो, और अपने जीवन में उन्हीं लोगों को सफल बनाना चाहे जिनके साथ वो डिसिप्लिन करना चाहे। ये सारी चीज़ें प्रोसीजर होती हैं एक आदमी को सफल बनाने के लिए। दोस्तों, हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती हैं दिन प्रतिदिन की। हम मेहनत करते हैं, हमारे पास भी वही 24 घंटे जो इनके पास होते हैं, फिर इनका नाम इतना ज़्यादा क्यों फेमस होता है, ये लोग इतने ज़्यादा क्यों सफल होते जाते हैं, और इसी सेम फील्ड में इनका नाम ज़्यादा हो जाता है और हम पीछे हो जाते हैं। तो रीज़न बहुत सारे होते हैं, सिर्फ कदों घोरे जैसे मेहनत करके लगातार कुछ भी बोलना या कुछ भी करने से आदमी सफल नहीं होता। दोस्तों, सफलता निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में किन लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे या बुरे, और किस तरह का बर्ताव और किस तरह का आचरण रखते हैं, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं या दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। सो ये बहुत बड़ी एक बात है जो हो सकता है कि अभी कुछ लोग समझे नहीं, पर बाद में भविष्य में समझ में आए, जब अपने घर पे, जब उनके खुद के घर पे खाने के लिए रोटी ना मिले, और हो सकता है कि ये बात तब उनको लगे कि हाँ, मैंने अपने जीवन में वो गलती की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ जो भी वीडियो ये देख रहे हैं हमारे पुराने स्टूडेंट या हमारे नए जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, और ये और वो जो सोच रहे हैं इसे टेलीकॉम आएंगे और जो भविष्य में ज्वाइन करेंगे, उन सभी लोगों के लिए इसे टेलीकॉम हमेशा और मैं, मेरा जीवन और हमारे सारे टीम के जो पर्सनल लोगों के और बताना चाहता हूँ कि उनका पूरा दिन डिसिप्लिन अनुशासन के तहत ही गुजरता है। दोस्तों, डिसिप्लिन क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जंगल में आपने जिराफ तो देखा होगा ना, तो मादा जिराफ क्या होता है, जब वो बच्चा पैदा करती है ना, तो जब वो बच्चे पैदा होता है तो उस समय वो खड़े होकर बच्चे को पैदा करती है। तो मतलब उस समय क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 2 मीटर नीचे गिरकर वो जमीन पर गिर जाता है, 2 मीटर जमीन के पर गिर जाता है पैदा होते ही साथ। सोचो कैसा फील होता है बच्चे को, अगर आपको 2 मीटर नीचे फेंक दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, आपको लगेगा यार ये कितना बेकार आदमी है, कितना बेकार लोग हैं। तो वैसा ही हो उस माँ, उस बच्चे को भी अगर सेंस हो कि बोलेगा यार ये तो पैदा होते ही इन्होंने फेंक दिया। अब उसके बाद भी उसके बर्ताव में, उसकी माँ के बर्ताव में बदलाव नहीं होता, वो लगातार उसको लात मारती रहती है। अब आप सोचिए दुनिया इसको क्या कहेगी, अरे ये तो बहुत बेकार माँ है, अरे ये तो बदतमीज़ माँ है, अरे ये तो इसको तो आता ही नहीं है कुछ, अरे नहीं इसको प्रोटेस्ट करो ये वो। पर दोस्तों, वो माँ असल में एक अनुशासन डिसिप्लिन के तहत अपने बच्चे को उठाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, जंगल का एक नियम होता है, और वो नियम ये है कि अगर आप पर हमलावर, अगर आप पर जंगल में कोई हमलावर आप पर हमला करता है, तो आपको अपने पूरे पाँव जमीन पर खड़े करके भागने को होता है। पर अगर बच्चा वो उठेगा ही नहीं, तो अपने पाँव जमीन पर खड़ा नहीं कर पाएगा, और वो उस हमलावर का शिकार हो जाएगा, जो वो मां नहीं चाहती। इसलिए उसको लगातार लात मारती है कि जब तक कि वो अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए। दोस्तों, इस चीज़ को आप कठोरता कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ बहुत कम है, और मुझे लगता है कि जीवन में अभी बहुत कुछ आपको ऐसा देखना है, हो सकता है जिससे आप समझे कि हाँ शायद मैं गलत हूँ और ये सही है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं चीज़ में अनुशासन हमने अपने पूरे ज़िंदगी भर सही है, और इसी चीज़ को लेकर आज हम इतने सफल हुए हैं कि आज हम इतने सारे लोगों को सफल किया। हमने हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट अगर हम बात करें, और हिंदुस्तान से बाहर नेपाल हो, UAE हो, या बहुत सारे USA हो, स्पेन हो, श्रीलंका, हमने बहुत सारे ऐसे जगह टेक्नीशियन दिए हैं, बांग्लादेश, जहाँ पर स्टूडेंट जाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत
पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं और समय समय पर उनको अपडेट भी मिलते जा रहे हैं। पर दोस्तों उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता जिनकी सोच खुद से पहली बार तो चलती नहीं है। क्या तो एक अरबी में कहावत है, हो सकता है कि आपको लगे कि माँ का बर्ताव डिसिप्लिन के तहत नहीं कठोर हो, तो अरबी में उसको कहते हैं कि कुछ अच्छा सिखाने के लिए कुछ बुरा बर्ताव करना भी जरूरी होता है, क्योंकि उस बुरे बर्ताव को, बुरा बर्ताव नहीं एक्चुअली में, उस बर्ताव को एक कठोरता के नियम के तहत सिखाए जाने वाली प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों बहुत जरूरी होती है डिसिप्लिन करना। 12 घंटे की क्लास में बैठकर आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक समय हम जो यहाँ दे रहे हैं वो एक कीमती समय है, क्योंकि जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, भले वो इंजीनियरिंग हो या फिर हो कॉमर्स या फिर कोई सा भी मेडिकल या कोई सा भी कॉलेज या CA की पढ़ाई पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो मोबाइल रिपेयरिंग, तो दोस्तों आपको एक बात समझ में बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो तो पढ़ने जा रहे हो, वहाँ आप AC में सोने नहीं जा रहे हो, वहाँ आप बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा रहे हो, मुगलाई खाना खाने नहीं जा रहे हो, वहाँ आप स्विमिंग पूल में तैरने नहीं जा रहे हो, मसाज कराने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें अपने घर पे कर सकते हो। जो चीज़ आपको घर पे नहीं मिल रही है वो है ज्ञान, जिससे आप अपने मार्केट में बैठकर, जिससे आप अपनी दुनिया में जाकर अपना नाम कमाएं, अपनी पहचान बनाएं और अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो दोस्तों आप सोचिए कि ऐसी जगह जहां अनुशासन ही नहीं हो, जहां इनडिसिप्लिन हो, जहां टीचरों को या फिर जहां के मैनेजमेंट को ही नहीं पता कि किस तरह से स्टूडेंट को उनको रखना है, कितनी क्या चीज़ें हों जो होनी चाहिए क्लास में वही हो, उसके अलावा कुछ ना हो, तो अगर ऐसा ना होगा दोस्तों तो वहाँ पढ़ाई कभी नहीं हो सकती है। अगर आप मेरे से समर्थन रखते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में बताएं कि कठोरता आपने अपने जीवन में अपनाई है कि नहीं है। इस कठोरता को कठोरता ना कहकर दोस्तों डिसिप्लिन का नाम दें, क्योंकि डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी बनाएगा और आपको सफल बनाएगा। तो लगातार 24 घंटे तो खदा भी मेहनत करता है, जब वो सफल हो जाता है नहीं, सफल वही होता है जो मेहनत के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और सही विवेक के साथ सही लोगों का साथ दे और अपनी प्रगति में आगे बढ़ाए, दूसरों की प्रगति ना करें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने भविष्य को बनाने के लिए मेहनत करेंगे, ना कि दूसरों के भविष्य को बनाने के लिए। और इसके साथ ही अपडेट हो जाइए अपनी लाइफ में और भरिए, आगे बढ़िए। और दोस्तों ध्यान रखिए, मैं बहुत सारे यूट्यूबरों को और बहुत सारे मैं स्टूडेंट को ये भी कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर डिपेंड मत होइए। दोस्तों यूट्यूब एक जरिया हो सकता है पैसा कमाने का, या यूट्यूब एक जरिया हो सकता है सीखने का, पर दोस्तों वो प्रोफेशनल या वो आपको स्टेज कभी नहीं दे पाएगा जिससे आपका नाम होगा मार्केट में, जिससे आपके पास काम आएगा और जो आप सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों ज्ञान लेने के लिए आपको एक मंदिर, एक संस्थान में जाना ही होगा और वहाँ आपको अपना समय देना पड़ेगा, पर उचित वही होगा जो डिसिप्लिन बरकरार रखेगा, और अगर जो डिसिप्लिन के साथ नहीं होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप हार्ड वर्किंग, कीप मोटिवेट।